नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज दिनांक 2 जून 2021, शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। बड़ा फैसला, बोर्ड के 14.5 लाख छात्रों ने ली राहत की सांस। अभिभावक बोले सरकार का सही फैसला। CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द। PM मोदी ने कहा बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। स्कूलों में नया सेशन 7 जून से। बीकानेर कोरोना के चलते 1.5 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने नए सेशन की तैयारी फिर से शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने ईयरली कैलेंडर के प्रस्ताव शिक्षा सचिव को भेज दिए हैं, जिस पर जल्द ही स्वीकृति मिलेगी। सभी पदों पर राजस्थान में ही होगी परीक्षा। EWS के कारण 7 से 21 जून तक कर सकेंगे आवेदन। बिजली कंपनियों में भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी। कैबिनेट की बैठक आज। केंद्र की तरह राज्य सरकार भी रद्द कर सकती है बोर्ड परीक्षाएं। हॉट न्यूज, केंद्र की ओर से CBSE 10वीं के बाद 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द करने के फैसले के बाद अब राज्य सरकार भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर सकती है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, छात्र 15 जून तक जमा करा सकेंगे असाइनमेंट। कोरोना के चलते किया गया बदलाव। कैसे मिलेंगे राज्य को नए अफसर, भर्ती के इंतजार में बैठे हैं हजारों अभ्यर्थी। 3 साल से RAS भर्ती नहीं, ओवर एज होने लगे कई अभ्यर्थी। कोरोना की वजह से भंवर में फंसी शिक्षा और परीक्षा। प्रदेश के 11 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार। रिट अनलॉक, EWS की फाइल को मंजूरी। बोर्ड जुटा आवेदन लेने की तैयारी में। कई वर्गों को मिल सकता है आवेदन करने का मौका। रीट के बाद तय होगी नए पदों की संख्या। 2 लाख से ज्यादा नए आवेदन आने की आस। दिल्ली सरकार ने किया विशेषज्ञों के साथ वेबिनार का आयोजन। घर पर उब रहे छात्रों की समस्या पर अभिभावकों को सलाह। कोरोना के मद्देनजर CBSE की 12वीं की परीक्षा हुई है रद्द। CBSE की परीक्षाएं इस वर्ष भी रद्द। PM मोदी की अध्यक्षता में हुआ बैठक में हुआ ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पूर्व। अजमेर में सेना भर्ती की रैली होगी। CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पिछले वर्ष की तरह यदि कुछ छात्र परीक्षा देना चाहते हैं तो बोर्ड उन्हें यह विकल्प देगा, लेकिन यह परीक्षा स्थिति अनुकूल होने पर ही ली जाएगी। बोर्ड की परीक्षा रद्द होने पर मुख्यमंत्री बोले बड़ी राहत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस फैसले पर खुशी जाहिर की। CBSE की परीक्षाएं रद्द। कई राज्यों ने भी इससे प्रेरित होते हुए दिए हैं नए संकेत। PM मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया फैसला। छात्रों की सेहत और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। CISCE हरियाणा ने भी रद्द किया। उत्तराखंड में जल्द प्रभाव पड़ेगा इसका और निकलेगा आदेश। सोल्जर के विभिन्न पदों पर मौका। भारतीय सेना में भर्ती निकली है। जयपुर हेडक्वार्टर पर रैली। कायड़ विश्राम स्थली अजमेर 11 जुलाई से 2 अगस्त को। आयु 17.5 वर्ष से 23 वर्ष और 19 से 25 वर्ष। 80 लाख कर्मचारियों को वेतन कटौती के लिए मनाने की कवायद। श्रीगंगानगर प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों की वेतन कटौती से पहले गहलोत सरकार ने कर्मचारी संगठनों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। अधिकारियों को दी गई है जिम्मेदारी। 28 मई को बैठक हुई थी स्थगित। जून माह की वेतन कटौती लगभग तय। यूजर्स के अकाउंट को नहीं किया जाएगा डिलीट। पॉलिसी स्वीकार नहीं करने वालों के लिए व्हाट्सएप का बड़ा बयान। बच्चों व शिक्षकों के लिए तैयार हो रही है नई गाइडलाइन। शिक्षा विभाग जुटा नए सत्र की तैयारी में। एग्जाम गाइड जिसमें मिलेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न उत्तर के साथ। संघ लोक सेवा आयोग CAPF में SC के पदों के लिए होगी परीक्षा। CMOH करौली कंसल्टेंट असिस्टेंट पदों पर भर्ती। 3 जून तक आवेदन। कोविड हेल्थ असिस्टेंट 635 पद, कोविड हेल्थ कंसल्टेंट 20 पद जयपुर। बिहार लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। APO मेंस के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2021। संरक्षक हरिमोहन शर्मा की प्रेरणा से सुदामा सेवा संस्थान की पहल। कोविड से अनाथ हुए छात्रों को मिलेगी निःशुल्क आवास, भोजन, पाठ्य सामग्री व ड्रेस की सुविधा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का प्रयास। स्वयं को सुरक्षित रखने का पुस्तिका में बताया उपयोग। छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा देगी प्रशिक्षण पुस्तिका। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली 665 पदों के लिए करें ऑनलाइन आवेदन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम वेब डेवलपर सहित अन्य पदों के लिए निकली है भर्तियां। 22 जून है अंतिम तिथि। रिजल्ट अलर्ट। NCVT ITI 2021 के परिणाम जारी। शिक्षा विभाग 120 फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी। जोधपुर शिक्षा विभाग में फर्जी डिग्री से प्रमोशन पाने वाले जोधपुर मंडल, जोधपुर बाड़मेर और जैसलमेर के 120 शिक्षकों के नाम शिक्षा विभाग ने बीकानेर निदेशालय भेजने की तैयारी कर ली है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का मामला। बोर्ड ने पूछा क्या आप परीक्षा चाहते हैं। 91% विद्यार्थी बोले नहीं। 1,02,870 पद खाली पड़े। लाखों बेरोजगारों के टूट रहे सपने। भर्ती के ट्रैक पर खड़े बेरोजगार हरी झंडी का इंतजार कर रहे। शिक्षा विभाग में समय पर भर्तियां नहीं हो रही।
अध्यापक भर्ती की राह नहीं आसान, लंबे समय तक अटक सकती है। रीट परीक्षा, 16.5 लाख अभ्यर्थियों को रीट का भी लंबा इंतजार, 31,000 अध्यापकों की होनी है भर्ती। प्रदेश के 73,000 से अधिक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा अधर झूल में, कोरोना महामारी ने लगाया दिव्यांगों की शिक्षा को लॉक। कैसे और कब होंगी बोर्ड की परीक्षाएं? प्रश्न पत्र से ज्यादा इस टेंशन